आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। आपके स्क्रीन पर चार बहुत तगड़े क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों से आप 20 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे? ऐसे देखिए, अगर आप इन चारों क्वेश्चनों में आपको अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा आपको याद रखना है कि हमें थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री पुट करना है, और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो थीटा के प्लेस पर हमें 90 डिग्री क्या करना है, पुट करना है। चाहे आपका ये क्वेश्चन हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि थीटा के किस मान पर वो मिनिमम को प्राप्त करेगा, तो ऑलवेज रिमेंबर 45 डिग्री पर, और थीटा के किस मान पर मैक्सिमम को प्राप्त करेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। अब अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हुई, डियर, अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हुई तो आप करें क्या करेंगे, 4 sin की पावर 4 और यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस की पावर 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है डियर तो क्या करेंगे, 4 sin की पावर 4 यहाँ पे 90 हो जाएगा, प्लस में कॉस की पावर 4 90 हो जाएगा। इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे, और रेंज क्या होता है आपको पता ही है, मिनिमम टू मैक्सिमम कर दोगे तो तुम्हें क्या मालूम हो जाएगा, रेंज मालूम हो जाएगा। अगर इसका रेंज आपको निकालना है तो यहाँ और यहाँ जो वैल्यू आई है कॉमा लगा के लिख देना, मिनिमम टू मैक्सिमम, वही तुम्हारा रेंज हो जाएगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके लिए क्या करना है, जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आई हो और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आई हो ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपके डियर इन चार क्वेश्चन से आपके 20 क्वेश्चन क्या हो गए, तैयार। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।